वाला जो धागा है ये व्हाइट वाला नीचे से है, तो इसको हम दोस्तों ये रिंग फ्लावर फुट जो सिलाई मशीन में लगाया जाता है, आज मैं इस छोटी सिलाई मशीन में लगाकर ट्राई करने वाला हूँ क्या ये रिंग फ्लावर फुट इसमें काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों देखिएगा रिंग फ्लावर फुट कैसा है, अगली वीडियो में मैं दिखाया था अनबॉक्सिंग करके और इसमें भी दिखा देता हूं, इसके बाद सेट करता हूं। देख लीजिए ये है रिंग फ्लावर फुट दोस्तों, देख लीजिए ये छोटी सिलाई मशीन में लगाकर ट्राई करने वाला हूं। और यहां पर देख लीजिए मैं पेचकस भी रख रखा हूं यानी इसको ड्राइवर, और इसको खोलने के बाद निकालने के बाद इसको सेट करके चेक करते हैं क्या ये छोटी सिलाई मशीन में वर्क करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो शेयर करना तो मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहां पे सेट करने के लिए यहां से इसको हम साइड में रख देते हैं, और इसको साइड में रखने के बाद में सिलाई मशीन में सेट करने के लिए हमें पहले प्लेट निकालना है इसका, और इसका निकालते हैं पहले धागा, और इसके बाद इसका जो बूट है इसको खोल देते हैं यहां से, यहां से इसका बूट जो है खोल देते हैं, और इसको खोलने के बाद में इसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद यहां से फिर डिब्बी निकाल देते हैं कि कहीं कोई चीज दिक्कत ना हो, और यहां से इसका प्लेट जो है इसको खोलेंगे पहले, और ये प्लेट खोलने के बाद इसको साइड में करके इसको निकाल लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो दांती आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपको निकालना होगा दोस्तों, इस बूट फुट को लगाने के लिए, रिंग फ्लावर फुट अगर आप लगाते हैं तो इसको भी खोलना होगा। तो यहां से इसको भी खोल दिया, अब लेते हैं छोटा पेच का सो इससे इसको निकाल देते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, ये दांती और ये पेच जो है इसको निकाल करके साइड में रख देना है, यहां पे रख देते हैं। और अब क्या करते हैं, ये प्लेट जो है इसको हम यहां पे टाइट कर देते हैं। अब ये हमारा टाइट हो गया, और उसके बाद हमें चेक करना है ये सुई सिधाई पे जा रहा है या नहीं, तो सिधाई पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे डिब्बी, और ये जो रिंग फ्लावर फुट है दोस्तों यहां पे देखिएगा, अब इसको कैसे लगाना है, यहां पे पहले साइड प्लेट को लगा देते हैं इस तरीके से, और यहां पे फुट यूज करने के लिए पहले तो देख लीजिए यहां जो ये चुटकी दिखाई दे रहा है, देख लीजिए ये सुई लगाने वाली चुटकी, ये जो है ये इस पे इस तरीके से रहेगा, और यहां पे पीछे इस तरीके से इसको, और नीचे करने के बाद इसको पेच से इसको ड्राइवर से टाइट कर देते हैं, जिससे क्या होगा अच्छे से टाइट कर देना है इसको कि चलते समय कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से टाइट कर दिए हैं, अब ये काम कैसे करेगा और कैसे ये फ्लावर बनाएगा ये चीज चेक करते हैं दोस्तों। अब फ्लावर बनाने के लिए मैं लिया हूं सादा रील दोस्तों, इसमें आता है कढ़ाई करने के लिए और भी रील आता है जो चमकीला होता है और रेशम वाला होता है, देखने में सुंदर लगता है। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से फ्लावर बनता है इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं एक सादा सैंपल रील। तो यहां से लगाते हैं रील को और धागा इसमें डाल देते हैं, और धागा डालने के बाद में किस तरीके से छोटी सिलाई मशीन में ये फ्लावर काम करता है दोस्तों, अभी मैं यहां से धागा डाल लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। तो यहां से देख लीजिए धागा भी डाल दिए हैं, और नीचे का जो धागा है इसको हमें ऊपर लेना है, तो इस तरीके से ऊपर भी ले लिए हैं, और उसके बाद इसको नीचे करेंगे, और नीचे करने के बाद तो अब ये वाला जो धागा है ये व्हाइट वाला नीचे से है, तो इसको हम निकालेंगे यहां से इस तरीके से, सिर्फ व्हाइट धागा को ही निकालना है। एक मिनट दोस्तों, इस तरीके से व्हाइट धागा को निकाल दिए हैं, और ये वाला धागा जो है ऊपर ही रहेगा। और इसके बाद में दोस्तों अब इसके अंदर किसी भी चीज का आपको कपड़ा में फ्लावर बनाना है तो इस तरीके से आपको रखना होगा, जैसे आप बेना वगैरह में बनाती हैं लड़कियां, या कोई भी गद्दा रजाई किसी भी या सूट में किसी में भी बनाना हो तो इस तरीके से आपको रखना है, और उसके बाद इस तरीके से रख देना है। और रखने के बाद में यहां से छोटी सिलाई मशीन में यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में यहां से देखिएगा हथेली वाली है, अब किसी भी सिलाई मशीन में लगा के ट्राई करिएगा। तो चलिए इसमें हम किस तरीके से ये फ्लावर काम करता है इसको देखने वाले हैं, और यहां से इस तरीके से चलाते हैं, देख लीजिए ये किस तरीके से घूम रहा है ये रिंग फ्लावर फुट। और इसमें तो जिग-जिग मशीन अगर होती तो बहुत ही गजब का बनता, ये सादा वाले में इससे क्या होता है कि बस खाली ये रिंग जैसा बनेगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसके बाद ट्राई करेंगे जिग-जिग वाली पे। दोस्तों इस तरीके से करता है वर्क, और यहां से निकालते हैं, देख लीजिए
ये गोल सा डिजाइन बन गया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर बना हुआ है जो देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसमें तो जिगजग वाली सिस्टम होती नहीं है, क्योंकि ये देख लीजिए एक सादा छोटी सिलाई मशीन है। और अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी का अगर आप फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आपको पीको सिलाई मशीन में यूज करिए, वो जिगजग वाली होती है क्योंकि सुई इस तरीके से चलती है और उसमें कई प्रकार का आप डिजाइन बना सकते हैं। तो चलिए अगली बार ट्राई करने वाले हैं पीको सिलाई मशीन में, तो जरूर चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीको सिलाई मशीन में किस तरीके से वर्क करता है ये हमें आशा है दोस्तों कि पीको सिलाई मशीन में बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हम जानते हैं आपको सीखने का बहुत ही थोड़ा बहुत ही मिला है, ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि इससे तो रिंग बन जाता है मगर डिजाइन नहीं बनता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पीको सिलाई मशीन में सेट करके आपको दिखाने वाले हैं पीको सिलाई मशीन में किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि वो जिगजग मशीन होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों उस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फॉलोवर बनेगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।